हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी एक्सप्लोर्स। इस समय हम बेंगलोर पैलेस के सामने खड़े हैं और आज मैं आपको बेंगलोर पैलेस का पूरा बढ़िया टूर करवाती हूँ। तो आप मेरे वीडियो के थ्रू एंजॉय करिए बेंगलोर पैलेस। अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं और एंटर करने से पहले थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में बेंगलोर पैलेस की हिस्ट्री क्या है, किसने बनवाया है, किसके लिए बनवाया है, तो वो सारी चीजें जानते हैं, फिर टिकट लेंगे और अंदर का टूर करेंगे। बेंगलोर पैलेस 19वीं सदी का शाही महल है जो भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है और इसका निर्माण रेव जॉन गैरेट के स्वामित्व क्षेत्र में हुआ था, जो बाद में वो सेंट्रल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे और बाद में सेंट्रल कॉलेज के नाम से वो फेमस है। इस महल को मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वाडियार एक्स के लिए बनवाया गया था और वर्तमान में वाडियार राजवंश के प्रमुख यदुवीर कृष्णदत्त चाम राजा वाडियार के पास है हुआ है और काफी मजबूत और बुर्ज वाला दीवार वाला सुंदर सामने से दिखाई दे रहा है। पर्यटकों को यह दक्षिण भारत के सबसे प्रभावी राजवंशों में से एक वाडियार राजवंश के राजसी ठाटबाट का परिचय देता है। इस महल को वर्ष 1887 में बनवाया गया था। बेंगलोर पैलेस लकड़ी पर बने खूबसूरत नक्काशी आकर्षक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। बेंगलोर पैलेस की वास्तुकला जो ये इंग्लैंड के मध्ययुगीन महल से काफी मिलती जुलती है क्योंकि इसमें स्कॉटिश गाथिक प्रभाव की वास्तुकला की ट्यूडर शैली के रूप में बनाया गया है। महल का सबसे बड़ा आकर्षण अंगूर की बेलों से ढकी उसकी दीवारें हैं। महल का आंतरिक भाग इसके बाहर के अंग्रेजी डिजाइन के से बिल्कुल ही अलग है। महल के कमरों की पारंपरिक हिंदू शैली में विस्तृत रूप से सजाए गए स्तंभ मेहराबों से सजाया गया है और शानदार झूमर लगे हुए हैं, पैटर्न वाली दीवारें हैं जो महल के राजसी ठाटपाट को दर्शाती हैं, जो आपको इसके दो एक फोटो मेरे वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेंगे। और महल में 19वीं और 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार रवि वर्मा की कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां भी हैं। ट्यूडर शैली जो पहले यूनाइटेड किंगडम में घरेलू वास्तुकला के रूप में प्रकट हुई थी और बाद में इसको मतलब स्थानीय वास्तुकला की शैली के रूप में अपनाया गया। फिर ट्यूडर वास्तुकला का और महलों में और जगह इसका इस्तेमाल किया गया और उसी के उस पर ये अपना बेंगलोर पैलेस वही शैली को लेकर बनाया हुआ है। महल के प्रांगण का उपयोग संगीत समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाता है। कई इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित हुए हैं। हम जिस दिन बेंगलोर ये पैलेस का हमने टूर लिया उस दिन भी एक शादी थी और बहुत मतलब रियल फ्लावर से बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई थी। उसका भी थोड़ा सा वीडियो मैंने लास्ट में डाला है अपने वीडियो में। बहुत ही अच्छा मतलब पैलेस का जो पीछे का प्रांगण है वो काफी खुला हुआ और बहुत बढ़िया है, तो कई वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने इस मैदान पे प्रदर्शन किया है। आजकल की तो सरकार और मैसूर राज परिवार के बीच कुछ कानूनी लड़ाई के कारण शायद कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है इन सब गतिविधियों पर। फिर भी राज परिवार द्वारा नियंत्रित कई मैदान पर कई विवाह समारोह चलाती हैं, जो हमने भी देखा यहाँ शादी का समारोह चल रहा था। इससे पहले के वर्षों में महल के प्रांगण में कई प्रमुख संगीत कलाकार मेजबानी कर चुके हैं, जैसे आयरन मेडन, एरो स्मिथ, बैक स्ट्रीट बॉयज, ब्रायन एडम्स और कई सारे और फ्लोरिडा। एक 2007 में तो आयरन मेडन का प्रदर्शन उपमहाद्वीप में एडफेस्ट नामक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो कंसर्ट बैंड के ए मेंटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टूर का हिस्सा था। उन्होंने यहाँ पर कंसर्ट किया था और पेड कंसर्ट था जिसकी करीब अनुमानित 38,000 लोग शामिल हुए थे और 4,000 लोग कह रहे हैं कि बाहर से देख रहे थे कार्यक्रम। तो काफी बड़ा, सामने का ग्राउंड भी काफी बड़ा है और महल के
बाहर की साइड में भी, और अंदर जो इन्होंने गार्डन है वो भी काफी बड़ा है, उसके भी वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें जे सीन लुडाक्रिस और फ्लोरिडा ने चैंपियन लीग T20 के उद्घाटन समारोह यहाँ 22 सितंबर 2011 को पैलेस ग्राउंड से प्रदर्शन किया था, तो ऐसा ये बता रहे हैं। और 30 अक्टूबर 2011 को रॉक एंड इंडिया फेस्टिवल के हिस्से के रूप में महल के मैदान में प्रदर्शन हुआ था। तो भारत में ये पहला शो था जिसमें 31,000 लोगों ने भाग लिया था। तो बहुत सारा मतलब कई सारे कंसर्ट यहाँ पर इसके ग्राउंड में होते रहते हैं जो लोग एंजॉय करते हैं। पैलेस की वास्तुकला काफी आकर्षक और है, मनमोहक भी है। और ये लगभग 400 से अधिक एकड़ में निर्मित इस पैलेस को सजाया गया है। कई लोगों का कहना है कि यह पैलेस विंडसर कैसल के समान लगता है। और महल में लगभग 35 से अधिक कमरे हैं। छत और दीवारों को अलग अलग चित्रों और पेंटिंग से सजाया गया है। इस पैलेस में लकड़ी द्वारा निर्मित एक से एक बढ़िया शानदार चीजें, बेहतरीन चीजें हैं। और इस पैलेस में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर, कुली और बरसात जैसी कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसे आप इन फिल्मों में देख सकते हैं। इस पैलेस में लगभग मध्यकालीन तस्वीरों का काफी अच्छा संग्रह है, 30,000 से अधिक। अभी भी फिलहाल कहा जाता है कि ये महल श्रीमती देवी वाडियार के पास है। और गार्डन की तो खूबसूरती के क्या ही कहने, बहुत ही प्लैंड वे में सजाया हुआ है गार्डन इन्होंने, और सैलानी यहाँ पर काफी फोटो वगैरह ले रहे हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत है डिजाइन जो है इसका, गार्डन का काफी अच्छा सजाया है। बीच में एक झरना बनाया है जिसमें से फॉल है, जिसमें पानी आता है, अभी तो नहीं आ रहा है। बीच में घास है और साइड साइड इन्होंने हैज लगा रखी है, पेड़ों अलग अलग तरीके के पौधे लगा रखे हैं, और कलर्स भी अलग हैं। कोई ग्रीन कलर है, कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, उनके लीव्स भी अलग हैं और कुछ रेड कलर के हैं। तो जो कॉम्बिनेशन इन्होंने हैज का लगा रखा है, प्लस सेंटर में इन्होंने जगह जगह पर पेड़ों की कटिंग करके ऐसे बनाया हुआ है, गुंबद टाइप छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, तो वो एक अलग ही लुक दे रहे हैं इस को। महल जो है उसके गुंबद और ये जो बाहर से जितना खूबसूरत है, गार्डन उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और लोग महल तो जल्दी से घूम के बाहर आ जाते हैं, बाहर से पीछे से भी देख के, और फिर गार्डन में काफी देर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो गार्डन काफी अच्छा है, और अगर मौसम बेंगलोर का तो मौसम अच्छा ही है, तो उस मौसम में इस गार्डन में बैठने का एक अलग ही आनंद है जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से ये एंट्री के लिए टिकट है, जो इस अंदर जाके फिर आपको टिकट देते हैं और एक गोल गोल सा आपके लगा देते हैं, जिससे आप उसको लगा के घूमते रहिए गार्डन में, पैलेस में, बाहर भी। तो काफी अच्छा बेंगलोर का पैलेस है, आप लोग देखिए मेरे वीडियो से, एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।
பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேரு காத்தவரன். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். बेंगलोर पैलोस में हम घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर हम लोगों को भूख लगने लगी, तो फिर हम ऑटो करके एक बोला ऑटो वाले से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बाहर रेस्टोरेंट तक छोड़ देता हूँ। तो फिर वो उसमें हम लोग रेस्ट खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, सुबह से 2-3 घंटे हो चुके थे। ये पैलोस रोड का वीडियो है जहाँ जा रहे हैं पास के खाने के स्टॉल पर। यहाँ भी काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। बेंगलोर में ग्रीनरी तो खूब ज़्यादा है, हर जगह आपको पेड़ मिलेंगे, और साइड चलने के लिए भी जो है वो भी काफ़ी चौड़े चौड़े रास्ते हैं, तो आप आराम से वॉक करते हुए घंटों टाइम बिता सकते हो यहाँ पर। बहुत ही इन सब मामलों में तो बेंगलोर काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी खूब अच्छी है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और क्लाइमेट भी ऑलमोस्ट अच्छा रहता है, बहुत गर्म नहीं है और ना बहुत ठंडा है, तो सब लोगों के लिए बढ़िया क्लाइमेट है। घूमते हुए आप कितना भी टाइम बिता सकते हैं, आप साइड साइड चलते हुए बेंगलोर के, और पेड़ों से जो लुक एक बेंगलोर का आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इन लोगों ने मतलब घरों में भी मैं देखती हूँ कि छतों पे, बालकनियों में, सब जगह ये लोग छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और अपना अच्छा रखते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग वापस पैलेस वापस आए हैं, और क्योंकि हमने कहा एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं फिर यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। तो ये लौटते समय जो हम लोग जा रहे हैं, तो ये पैलेस है, पैलेस के फोटो वापस से आप देखेंगे, और यहाँ से निकलते हुए फिर ये आपको पैलेस रोड देखने को मिलेगी। पैलेस रोड भी काफ़ी देखने में खूबसूरत है, ब्लू कलर से इन्होंने। अगर आप बेंगलोर पैलेस को ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो जाके आपकी ट्रिप काफ़ी आसान हो जाएगी। यहाँ बेंगलोर पैलेस में फ़ोटोग्राफी काफ़ी सीमित है, और इस स्मारक के अंदर तो कभी भी कहीं भी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ता है, और पैलेस के अंदर की फ़ोटोग्राफी की अनुमति देते हैं तब वो। और यहाँ अगर आप घूमने आते हैं तो किसी भी पेंटिंग, कलाकृति, सजावटी सामान के साथ हम टच ना करें, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और परिसर के अंदर जो है इतिहास को समझने के लिए अगर हम गाइड करना चाहें तो वो भी अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। और पैलेस के कुछ हिस्सों को इन्होंने ओपन करा हुआ है, हर हिस्से की
शूटिंग आप नहीं कर सकते। तो உங்கள் பிரைம் வீடியோவில்.
கூட இன்னொன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேரு காத்தவராய். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போல, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். Thank you.
இன்னொன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக் பஸ்டர் திருவிழா. என் பேரு காத்து வரா. நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். और ये साइड से व्यू है पैलेस का और गार्डन की खूबसूरती देखिए आप साहब, मतलब देखते ही रहो, इतना खूबसूरत गार्डन है ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर.
ஒன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக் பஸ்டர் திருவிழா. என் பேரு காத்து வரேன். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போல, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில்.